welcome you all on this official YouTube channel of Sanskaram Group of School. Today we are going to discuss most important chapter of 11th as well as 12th class, that is relation. देखो relation chapter को पढ़ना कैसे है, last video lecture में हमने set chapter पढ़ा था, तो set और उसके बाद relation और उसके बाद function है ना, इनको एक order में पढ़ा जाता है बेटा ना, ये पूरा एक ही chapter है. एंड जब आपको set chapter समझ में आएगा तब जाके आपको relation समझ में आएगा ना, और जब relation समझ में आएगा उसके बाद function समझ में आएगा. तो इनको एक order में पढ़ना है. जिन बच्चों को sets के बारे में नहीं पता होगा उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपको चैप्टर जो है रिलेशन समझ में आएगा. अब देखो रिलेशन चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और रिलेशन चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर मैं स्टूडेंट्स लेवल के बात करूं तो देखो स्टूडेंट्स के लिए दो ही तरीके से कोई भी चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, या तो उसका वेटेज ज्यादा होना जिसमें मार्क्स ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता हो, या फिर ऐसा हो सकता है तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं मैथ्स में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट उन चैप्टर पे बहुत सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं. तो रिलेशन चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है जिस पे बहुत सारे चैप्टर डिपेंड करेंगे, इवन के 11th में भी और 12th में भी ना. तो रिलेशन चैप्टर की बात करूं तो रिलेशन चैप्टर 11th में भी है और 12th में भी. तो अगर मैं 11th की बात करूं तो ये सेकंड चैप्टर जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन हम पढ़ेंगे है ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तो 11th में हम सिंपली ग्राफिकल पढ़ते हैं, यानी ग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन को, और बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे. फिर 12th में भी आएगा रिलेशन एंड फंक्शन जो अकॉर्डिंग टू मैपिंग होगा बेटा है ना, मैपिंग से क्लासिफाई किया जाएगा. और थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी तभी समझ में आएगा जब आपको रिलेशन और फंक्शन की अच्छी नॉलेज होगी. और 13th चैप्टर जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ना, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा बेटा, जब रिलेशन आपके रिलेशन के कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है. ठीक है, अगर 12th की बात करूं तो रिलेशन फंक्शन सेकंड जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम आईटीएफ बोलते हैं, और फिफ्थ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है ना, सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सेवंथ इंटीग्रेशन है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एट जो है एरिया अंडर कर्व, और नाइन्थ चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी ये कैलकुलस का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है रिलेशन. अगर रिलेशन चैप्टर समझ में आएगा तभी इतने सारे चैप्टर जो आपको समझ में आएंगे. कुछ बच्चों को दिक्कत ये होती है उनको रिलेशन फंक्शन नहीं आता तो ये चैप्टर भी नहीं कर पाते ना, तो बेटर रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, रिलेशन चैप्टर में दिस आर द टॉपिक व्हिच वी हैव टू स्टडी, दैट इज पोलर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन है ना. तो रिलेशन को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपली ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम रिलेशन समझेंगे ना कि रिलेशन होता क्या है. तो रिलेशन एक थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, एग्जांपल के थ्रू समझा जाएगा. मैथ में अलग अलग चैप्टर की अलग अलग अप्रोच होती है बेटा, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो पहले थ्योरी करो और उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन होंगे, पर रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा बेटा, तब जाके आपको कमांड आएगा. तो फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा ना ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर या फिर ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है इसको समझे जरा ना. ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही आपको रिलेशन समझ में आएगा. तो ऑर्डर्ड पेयर है ना, नाम से क्लियर है बेटा, डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ही ईजी है ना, बिल्कुल कुछ ज्यादा समय समझना नहीं है. एन ऑर्डर्ड पेयर इज कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट्स हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनका एक मीनिंग है. इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, यानी ऑर्डर पेयर का मीनिंग क्या है, टू ऑब्जेक्ट होगी, ये टू एक्सप्रेशन होंगे, टू नंबर होंगे, ये टू एलिमेंट्स होंगे, उनको एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा जाएगा, उसको हम ऑर्डर पेयर बोल देते हैं. पेयर का मीनिंग टू, यानी टू ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उनको एक ऑर्डर में लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. If A and B are two non-empty set, देखो अगर मेरे पास A और B कुछ set है, set chapter last वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था क्या होता है, well-defined object को हम set बोलते हैं. Non-empty set का मीनिंग उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे. Then by an ordered pair of elements we mean a pair A comma B. ये important है. हम एक pair बनाएंगे A comma B का और उसको इस तरीके से लिखा जाता है close bracket में. In that order where A belongs to A capital A and B belongs to B. देखो समझे इसको क्या है,
अगर सपोज करो एग्जांपल से समझा जाएगा, मेरे पास मान लो सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, ये रोस्टर फॉर्म होती है, ऐसे लिखने का तरीका होता है, और मेरे पास एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी, या कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, चार एलिमेंट्स हो सकते हैं, पांच भी ना। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं सेट ए से कोई भी एलिमेंट पिक करो ना, मैंने 1 किया और सेट बी से मैंने 2 ले लिया, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर मैटर करते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है, सॉरी 1 कॉमा ए आया यहां पे, ठीक है, फर्स्ट सेट से एक एलिमेंट पिक किया और सेकंड सेट से ए ना, ऐसा लिखा जा सकता है 2 कॉमा बी, ये भी एक ऑर्डर है। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से ना। जैसे एक और एग्जांपल से समझा जा सकता है, अगर सेट ए में अगर मान लो p और q एलिमेंट्स हैं, p q r एलिमेंट्स हैं मान लो, और सेट बी में अगर मान लो 3, 4, 5, इसके बहुत सारे ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में पड़ेंगे। तो ऑर्डर पेयर का मीनिंग है एक कोई भी एलिमेंट मैंने सेट ए से लिया तो फर्स्ट लिखा जाएगा पहले जो सेट ए से एलिमेंट्स होगा, दूसरा कोई एलिमेंट ले लिया मैंने सेट बी से q, 5, इसको हम ऑर्डर बोलेंगे, है ना, एक ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो इनको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं बेटा। यानी ऑर्डर पेयर का मीनिंग ये है कि अगर मैं दो सेट की बात कर रहा हूँ, सेट ए और बी, और एक एलिमेंट में सेट ए से पिक कर रहा हूँ, सेकेंड एलिमेंट जो सेट बी से अगर मैं पिक कर रहा हूँ, तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं 1, 2 की बात कर रहा हूँ, है ना, 1, 2 एक ऑर्डर पेयर है, बट अगर मैं 2, 1 की बात करूँ, 2, 1 भी एक ऑर्डर पेयर है, मतलब इक्वल नहीं होंगे बेटा ना, यानी ऑर्डर मैटर करेगा, इसमें 1 पहले आ रहा है, इसमें बाद में आ रहा है, तो इक्वल नहीं होंगे, इट्स नॉट इक्वल। तो यही पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर पेयर का मीनिंग सिंपल है कि अगर मैं दो सेट ले रहा हूं, सेट ए और सेट बी, एक एलिमेंट सेट ए से लिया, दूसरा सेट बी से, उनको इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर ना, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, ऐसे कुछ एनसीईआरटी में सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। टू ऑर्डर पेयर्स a1, b1 एंड a2, b2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ a1 = a2 एंड b1 = b2। देखो इसको ऐसे समझा जाएगा, कहने का मीनिंग ये है, जैसे अगर लिखा हुआ है ना, जैसे अगर इस तरीके से समझे, अगर 3, 4 लिखा हुआ है इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है ए कोमा बी, और बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड ए एंड बी, तो इसका मीनिंग है अगर ये इक्वल है, इसका मीनिंग ये है कि इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 3 होगी एंड बी की वैल्यू जो 4 होगी, कोरेस्पोंडिंग की बात हो रही है, तो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे ए 3 होगा, बी 4 होगा, तभी इक्वल हो सकते हैं। तो सिंपली अगर ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, अगर 3, 4 है वो 4, 3 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 3, 3 जो है वो 2, 2 के इक्वल नहीं होगा, हालांकि ये तभी इक्वल होगा जब जैसे लिखा 1, 2 = 1, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, उनको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, If 3x, x + y = 6, 3 ना, ordered pair में लिखा हुआ, find x and y। अब अगर ये क्वेश्चन में दे दिया भी इक्वल है, यानी कि 3x = 6 होगा, 3x = 6 तो x कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। Second x + y = जो है वो 3 होगा, और अगर मैं x की वैल्यू इसमें 2 पुट करता हूँ तो 2 + y = 3, तो y कितना आ गया, 1 आ गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करूंगा तो 6 होगा, और x 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा, तभी इक्वल आएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इफ x - y, x + y = 4, 3 फाइंड x एंड y। देखो अगर ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मीनिंग कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी x - y = 4 होगा और x + y = 3। अब ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल बन गया पेयर, तो 10th क्लास में करते थे, बिल्कुल मैं प्लस करूंगा, यानी 2x = 7, तो x कितना आ गया, 7/2, और y कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो
7/2 + y = 3, तो y = 3 - 7/2 तो क्या आएगा -1/2 है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आएगी और x की वैल्यू 7/2। तो अगर ऑर्डर पेयर की बात की जा रही है, अगर इक्वल ऑर्डर पेयर तभी होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होना, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है ना, रिलेशन तभी समझ में आएगा जब आपको ऑर्डर पेयर के बारे में बताओ और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना, दो सेट का या दो से ज्यादा सेट का, दो या तीन सेट का ना, आपके सिलेबस में ओनली 3 सेट तक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या ना, अभी हमने पढ़ा ऑर्डर पेयर, बस उसी का नेक्स्ट स्टेप है बेटा। देखो लिखा हुआ है एन बी एन टू नॉन एम्प्टी सेट है ना, मतलब ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं ए कॉमा बी है ना, ये मैंने बताया था ए कॉमा बी जब भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेंगे, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से लेंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ये लिखा हुआ है पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से होगा, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड सेट बी एंड डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझे, जैसे भी लिखा हुआ है एग्जांपल में ना, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है जिसमें 1, 2 कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट बी है उसमें है ए कॉमा बी एलिमेंट्स हैं, सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दो दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी आप ले सकते हो, तो 1, 2 और ए कॉमा बी, अब देखो कितने इनके पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे, ए क्रॉस बी जब भी आपको लिखना है, ए क्रॉस बी का मीनिंग ये है, कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे आप पहले 1, ले सकते हो ना, तो 1, फिर 1, ठीक है, उसके बाद 2, इतने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं। देखो अगर मैं ए क्रॉस बी ले रहा हूँ, इसका मीनिंग है कि फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से लिया जाएगा, देखो 1, 2, इस तरीके से फर्स्ट सेट से एलिमेंट लिए गए हैं, और अगर मैं सेकंड एलिमेंट की बात करूँ जैसे ए बी ए बी, तो बी यानी सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से लिए गए हैं, तो इतने ही पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। कल को अगर आपको बोल दें कि बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए का मीनिंग है कि पहले बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, पहले मैं लिखूंगा a, 1 a, 1 फिर a का 2 के साथ, फिर b, 1 b, 2, इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे सिंपली, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इन दोनों में जनरली a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होते, ठीक है, ये आपको नोट्स में लिखवा दिया जाएगा। अगर यहीं पर बोल देते a क्रॉस a ना, तो सिंपल अब ए क्रॉस ए भी लिखा जा सकता है, यानी फर्स्ट सेट जो है वो 1, 2 होगा और सेकंड सेट भी 1, 2 होगा, यानी अपने आप के साथ के ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कैसे लिखेंगे ना, पहले 1, 1 के साथ 1, फिर 1, 2 उसके बाद 2, 1 और 2, 1 ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। यहाँ पे देखो दो दो एलिमेंट्स दिए थे मैंने दोनों सेट में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ऐसे लिखा जाता है, बी क्रॉस बी भी लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3 है ना, ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स है ना, तो इनके अगर आपको ए क्रॉस बी लिखना है, यानी सिंपल मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही हम रिलेशन बोलते हैं, तो रिलेशन तभी समझ में आएगा। तो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी का मीनिंग है कि पहले मैं सेट ए के एलिमेंट्स लिखूंगा 1, ए के साथ ना, 1, फिर 1, बी, फिर 1, सी ना, उसके बाद 2, ए, ठीक, 2, बी और 2, सी, फिर 3, ए, 3, b और 3, c, तो ए
क्रॉस पी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ना, ए क्रॉस पी को आप इस तरीके से लिखोगे, सिमिलरली बी क्रॉस ए को आप कैसे लिखोगे, पहले बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ना, बी सेट के एलिमेंट्स पहले आएंगे इस बार, तो इसको कैसे लिखूंगा, ए कॉमा वन, ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, फिर बी कॉमा वन, बी कॉमा टू और फिर बी कॉमा थ्री, ऐसे ही सी कॉमा वन, सी कॉमा टू और सी कॉमा थ्री। तो इस तरीके से लिखने को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ऐसे लिख दिया मैंने, अब ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक बात नोटिस की जा सकती है, जैसे कि लास्ट वाले में देखा था हमने, लास्ट एग्जांपल में भी अगर मैं दो दो एलिमेंट्स ले रहा था, ठीक है, सेट ए में भी दो एलिमेंट्स थे, सेट बी में, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आए थे, वन टू थ्री फोर है ना, बी क्रॉस में ए में भी फोर एलिमेंट्स आए थे। सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने तीन तीन एलिमेंट्स लिए, यहाँ पे टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं ना। जैसे एक और एग्जांपल से समझा जा सकता है, अगर मैं लिखूं ऐसे 1 कॉमा 2 तो बी में ले लूं मैं p q r एलिमेंट्स का, और आपको बोल दिया फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मीनिंग है फिर लिखेंगे 1 फिर p के साथ, फिर 1 q के साथ, फिर 1 कॉमा r, फिर 2 कॉमा p, 2 कॉमा 2 और 2 कॉमा, ठीक है। तो पहले 1 को सभी के साथ लिख दो एक बार, फिर 2 को सभी के साथ, है ना। बट ध्यान ये रखना बेटा आपने, बी फर्स्ट सेट से जो भी एलिमेंट्स है वो पहले लिखा देगा, जैसे 1 है यहाँ पे, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से होगा। तो ए क्रॉस बी में हमने देखा, अगर ए में दो एलिमेंट्स हैं, बी में अगर थ्री एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 3 2 2 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ऐसे कल को अगर ए में मान लो 20 एलिमेंट्स हैं और बी में अगर 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में 200 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट किए जा सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है ना। तो नोट्स क्या है, लिखा हुआ इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए क्रॉस बी, तो ये मैंने बता दिया कि ए क्रॉस बी का मीनिंग है ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी है ना। ये जितने देर से मैं समझा रहा हूं ये मैंने लिखा इन जनरल, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए आएगा ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता इन जनरल है ना। थर्ड पॉइंट देखो, ये हमने देखा भी था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं। थर्ड पॉइंट में क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ, इफ ए इक्वल टू बी ना। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तभी इक्वल होंगे जब सेट ए और सेट बी जो है इक्वल होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, यानी अगर ए भी एम्प्टी सेट है बी भी एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी जो है वो बी 5 होगा और डिफाइंड होगा ना, यानी ए क्रॉस बी में भी कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा, एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, एक वॉइड सेट बोल सकते हैं। फिफ्थ देखो, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज आल्सो फाइनाइट, ये अभी पॉइंट बताया था, अगर ए और बी अगर फाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी भी फाइनाइट होगा, एंड एन है ना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इनटू एन ऑफ बी, यानी अगर सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में अगर 5 एलिमेंट्स है, 3 इनटू 5 15 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। लास्ट वन इज ए क्रॉस बी इज एन इनफाइनाइट सेट इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज एन इनफाइनाइट सेट। देखो अगर बोला गया कि ए क्रॉस बी एक इनफाइनाइट सेट है, तो ऑब्वियसली ए और बी में से किसी एक में एटलीस्ट है ना, दोनों में से एक सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। देखो ग्राफिकल ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप एक क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हो, एक तो आप कॉपी बैंक से सोल्व करोगे, सेकंड जो है ग्राफिकली ना, यानी आपको ग्राफ बनाना चाहिए, और पूरा लेंथ में हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं और फंक्शन पढ़ रहे हैं वो ग्राफ से ही पढ़ेंगे। इवन कि आप 9th 10th क्लास से सीख जाते हो ग्राफ कैसे बनते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनता है, जैसे कि मैंने लिखा a इक्वल टू 1 कॉमा 2 और अगर मैंने b लिखा 3 कॉमा 4 है, तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b का मीनिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिखेंगे 1 कॉमा 3 और 1 कॉमा 4 फिर 2 कॉमा 3 फिर 2 कॉमा 4 है ना, ऐसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो a क्रॉस b को ऐसे लिखने को ना आप एक इस तरीके से लिख सकते हो, दूसरा
और आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए। तो ग्राफ किस तरीके से बनाओ, तो ग्राफ आपने 9th क्लास से सीखा था, ये लिखा हुआ 1.3 ना। 1.3 का मीनिंग ये है, तो 1.3 का मीनिंग ये है भी x1 और y3 ना, ये सीख रखा है, x1 होगा और y3। तो अगर आपको इसको ग्राफ पे बनाना है, 9th क्लास से सीखा था ठीक है, और 10th क्लास में भी था ये, a क्रॉस b का मीनिंग है भी 1.3 लिखा हुआ, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये वाला कुछ पॉइंट होगा 1.3 में, फिर 1.4 यानी x1 y4, ये वाले पॉइंट होंगे, सेकंड पे 2.3 ना, तो x2 और y3 ये वाला पॉइंट होगा, फिर 2.4 ना, तो x2 है y4 है, ये वाला कुछ पॉइंट। तो मैंने सिंपल एलिमेंट्स लेके जो है वो मैंने समझाया बेटा ना, जैसे ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग है जितने भी एलिमेंट्स लिए रहते हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है ग्राफ में ना, डिनोट ऐसे करते हैं ठीक है, डिनोट इस तरीके से करेंगे ग्राफ में, एक पॉइंट बनेंगे, आगे जाके आप पढ़ोगे कि रिलेशन में लाइन बनेगी या कर्व बनेगा, तो उस तरीके से आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ बना सकते हो ठीक है। डायग्रामेटिक यानी एरो डायग्राम ठीक है। अब एरो डायग्राम क्या होता है ना, ये इजी है और समझना भी पड़ेगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे हमने लिखा था a 1 2, और b मेरे 3 4 एलिमेंट्स थे, तो हमने इस तरीके से लिखा था कि a क्रॉस b जो है वो इससे लिखा जाएगा 1.3 1.4 2.3 और 2.4, तो इसको a क्रॉस b बोलते हैं। अब एरो डायग्राम या फिर डायग्रामेटिक कैसे समझते हैं इसको, ऐसे लिखा जाता है ना, a में जो एलिमेंट्स है वो 1 2 लिख दिए, b में जैसे मान लो 3 4 लिख दिया ना, तो सिंपली आप इनको ज्वाइन कर दो, 1 को 3 से ये लिखा हुआ 1 3, फिर 1 को 4 से ना, तो 1.4, इससे इजी समझ में आता है, फिर ये 2.3 फिर 2.4, ये लिख दिया 2.3 2.4, जितने पॉसिबल आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट है ना, देखो अगर 2 सेट का जैसे किया था सिमिलरली 3 सेट का भी होगा, a क्रॉस b क्रॉस c का मीनिंग होगा a, b, c, यहां पे 3 एलिमेंट्स आएंगे, वहां पे 2 एलिमेंट्स है ना, तो वो 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं हम, ये 3 एलिमेंट्स है तो 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, यानी स्पेस की बात होगी, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b एंड थर्ड एलिमेंट जो है c सेट से बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल से समझेंगे बेटा ना, सेट a में मान लो 1.2 एलिमेंट्स हैं, और सेट b में 3.4 एलिमेंट्स हैं, और सेट c में मान लो 2 एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो आप सिंगल, तो आप ना a क्रॉस b क्रॉस c अगर आपको फाइंड करना है, चाहे आप पहले a क्रॉस b फाइंड कर लो उसके बाद c के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, तो a क्रॉस b का मीनिंग आपने देखा था कि a क्रॉस b कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली a क्रॉस b का मीनिंग होगा 1.3 1.4 2.3 और 2.4, ये a क्रॉस b हो गया, और a क्रॉस b क्रॉस c अगर हम पता करते हैं 1.3 1.4 2.3 2.4 ना, और इसके साथ अगर मैं लिखूं सेट c यानी p कॉमा 2 और लिखूं, तो जैसे हम दो सेट को लेके लिख रहे थे ना बेटा, ऐसे सेट तीन सेट को लेके लिख सकते हैं, पहले 1.3 को इसके साथ p आ जाएगा ठीक है, पहले p के साथ 1.3 को 1.4 को p 1.4 इस तरीके से लिखेंगे, फिर 2.3 2.3 इस तरीके से, उसके बाद 2.4 2.4 ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो बात वही है, अगर दो सेट थे तो हम दो दो एलिमेंट्स ले रहे थे, तीन आ गए तो हम तीन तीन एलिमेंट्स आएंगे, और फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा, सेकंड सेट बी से, और थर्ड जो है पी टू उस सेट सी से होगा, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी इस तरीके से लिखा जाता है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन देखे जनरली, अगर मैं तीन या तीन से ज्यादा सेट की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एन सेट ले लिया मैंने, ए वन क्रॉस ए टू क्रॉस कैपिटल ए थ्री इंटू ए फोर अप टू ए एन तक ना, तो इनके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए एन आएंगे ना, स्मॉल एन लिखे हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए एन, फर्स्ट एलिमेंट होगा ए वन से बिलोंग करेगा कैपिटल ए वन से, a2 belongs to a2 and a3 belongs to a3 and an belongs to an ना,
तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो लास्ट सेट से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, ये कुछ प्रॉपर्टी है मतलब आपको पढ़नी। फॉर एनी सेट ए बी एंड सी एंड डी, है ना, चार अगर सेट है हमारे पास, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा, यानी ए क्रॉस बी यूनियन आपने सेट में पढ़ा था, सेट बी के एलिमेंट्स और सेट सी के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स लिए जाएंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर देख ले लो। फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सिमिलरली लिखा हुआ ए क्रॉस बी माइनस सी का मीनिंग आपको बताया था डिफरेंस, है ना, ओनली बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, सी के एलिमेंट्स जो है वो नहीं लिखने, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दो। ये कैसे लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। फोर्थ है ए इंपॉर्टेंट है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो आपको सबसेट का भी पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो है वीडियो में रिलेशन के जब पढ़ोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही हम रिलेशन बोलते हैं। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस ए इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस ए बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। फिफ्थ है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, मैंने दोनों सेट सी सेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेट सी से जो भी हो ना, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। सिक्स्थ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तुमको ऐसे लिखा जाता है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी इन क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। सेवंथ और एट्थ जो इंपॉर्टेंट है, एनडीए वगैरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है जब ओपन करते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। लास्ट वन इज ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब जनरली कोई एग्जांपल लेके सेट ए और सेट बी या सेट सी या सेट डी आप ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है बेटा रिलेशन पढ़ेंगे, तो रिलेशन जो है वो तभी समझ में आएगा जब आपको ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का पता हो और कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो रिलेशन चैप्टर तभी करेंगे बेटा, तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है बेटा। तो रिलेशन चैप्टर समझने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर का पता होना चाहिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही हम रिलेशन पढ़ेंगे, तो ये थ्योरी अच्छे से क्लियर करनी है बेटा, और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 2.1 दे रखी है वो क्लियर हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच। Thank you so much.